सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है खिलौने में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन पत्ती रॉयल कैसीनो गेम ऐप के बारे में। अगर आप भी ये ऐप यूज़ कर रहे हो और आप भी इस ऐप में यूपीआई आईडी चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस ऐप में यूपीआई आईडी चेंज कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी ऐप से रिलेटेड, कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, यूपीआई से रिलेटेड, पेटीएम से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आता है, तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व नहीं होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, ऐप को करना आपको ओपन। ऐप को आप ओपन करेंगे तो आपको स्टेप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सेटिंग्स का ऑप्शन, मैसेज का ऑप्शन, शेयर वॉइस का ऑप्शन, ऊपर प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन, निकनेम का ऑप्शन, प्लेयर आईडी का ऑप्शन। इनमें से आपको किसी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, विड्रॉ का ऑप्शन पर करना है क्लिक। विड्रॉ का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने मिलेगा। तो आपको इनमें से जो है पेंसिल के आइकन पे करना है क्लिक। पेंसिल के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यूपीआई आईडी का ऑप्शन मिल जाता है। ये यूपीआई आईडी आपको कर लेना है रिमूव। तो गाइस, रिमूव करने के बाद में ये सब चीज़ आपको, नेम रिमूव कर लेना है, यूपीआई आईडी रिमूव कर लेना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी रिमूव करने के बाद में आपको सबमिट पर करना है क्लिक। तो इसी तरीके से आपका यूपीआई आईडी जो है रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे आप रिमूव करने के बाद में दूसरी यूपीआई आईडी आप डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका यूपीआई आईडी जो है चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यूपीआई आईडी चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।